हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलिसब्लू। मैं हूं दीपेन गोगोई। तो आज बात करेंगे बैंक निफ्टी, देखेंगे कहां पे एंट्री और एग्जिट कर सकता है। तो ये मैंने बैंक निफ्टी का लिया हुआ है। तो 1 आवर चार्ट में आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी कंटिन्यूअस ऊपर जा रहा है, राइट, हायर हाई बना के। तो थोड़ा रिटेस्टमेंट करने का बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे, मुझे लगता है यहाँ 100 मूविंग एवरेज ने उसको एक सपोर्टिंग बना के चला गया। तो मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ 100 मूविंग एवरेज, जैसे एक्सपोनेंशियल ये 200 और 100 कर देता हूँ। और इसका कलर थोड़ा मैं चेंज कर के लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं 100 मूविंग एवरेज एक सपोर्टिंग बना के जा रहा है। देखा, पहले यहाँ पे एक सपोर्टिंग लिया था, राइट, यहाँ पे सपोर्ट लिया, बाद में यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से मार्केट ऊपर जाने का चांसेस है। तो अब कहाँ तक निकल सकता है? तो अब अगर बाय लिया है तो मुझे लगता है 27,800 में आप मार्केट से निकाल जा सकता है, क्योंकि यहाँ से फिर से रिट्रेसमेंट करने का चांसेस है। ठीक है, तो एंट्री पॉइंट देखिए, तो आप देख सकते हैं एंट्री पॉइंट में, एंट्री पॉइंट आप मैंने कल जो बताया था, जिसे हेकेनिसी लाइन जैसे दिया था 60 को ब्रेकआउट करने का बाद आप बाय में जा सकता। तो देख सकते हैं यहाँ पे बाय करने का बाद वो थोड़ा रिट्रेसमेंट किया हुआ है, तो बाद में ये 200 क्रॉस किया और मार्केट ऊपर चला गया। तो मुझे लगता है नेक्स्ट टारगेट विल बी अराउंड 27,800, राइट। तो यहाँ से आप मार्केट निकल सकता है मार्केट पे, राइट। और आपको अगर यहाँ पे अभी एंटी करना है, थोड़ा देर रुकना चाहिए। अगर पहले आपने एंटी नहीं किया तो थोड़ा बहुत यहाँ से फिर से रिट्रेसमेंट कर सकता है, लाइक ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ आप 26 हेकेनिसी लाइन है और 20 मूविंग एवरेज भी इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट फिर से ऊपर जाने का चांसेस है। अगर यहाँ पे अभी बाय ले लिया तो मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करके आपको थोड़ा माइनस दिखा सकता है, तो इसलिए आप रिट्रेसमेंट करने से बाय कर सकते हैं। नहीं तो अगर कंटिन्यू हो गया तो इसका ऊपर, जैसे अभी ये हायर पॉइंट बनाया था अराउंड 27,650 के आसपास, तो इसका ऊपर में आप बाय में जा सकता है। और अगर हम निफ्टी देखें, जैसे ये बैंक निफ्टी था, हम अगर निफ्टी को भी देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं निफ्टी ऑलरेडी कल ही बाय दिया था। तो अगर बाय किया था आपको, मुझे लगता है 100 पॉइंट का ऊपर मिल गया, जिसे आप अकॉर्डिंग टू ये स्ट्रेटेजी में आप बाय कर सकता था यहाँ पे 10,850 के आसपास। तो अभी चल रहा है 10,950, तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट आपको मिल गया, राइट। तो यहाँ से फिर से एक रिट्रेसमेंट कर सकता है 20 मूविंग एवरेज के आसपास, और यहाँ पे आपको हेकेनिसी 60 लाइन भी एक सपोर्टिंग बनाया, तो यहाँ से फिर से आप बाय जा सकता है, राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।